भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आगमन के साथ ही पुराने नेताओं की विदाई शुरू हो गई है। आप सबको पता है कि पहले ही लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सरीखे नेताओं को बाहर कर दिया गया था सक्रिय राजनीति से, और अब बारी आई है नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीजेपी संसदीय बोर्ड की, जिससे गडकरी और शिवराज को हटा दिया गया है। दरअसल बुधवार को नए संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति का ऐलान किया गया। 11 सदस्यों वाली संसदीय बोर्ड से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को हटा दिया गया है। बड़ी बात है कि गडकरी ने 24 दिन पहले ही यानी कि 24 जुलाई को नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि मन करता है राजनीति छोड़ दूं। इस बयान के अभी महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि पार्टी संगठन की सबसे ताकतवर संस्था केंद्रीय संसदीय बोर्ड की से उन्हें बाहर कर दिया गया है। संसदीय बोर्ड से जिन बड़े चेहरों को बाहर किया गया है, उनमें बिहार से पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन भी शामिल हैं। बड़ी बात यह है कि अब इस संसदीय बोर्ड में बिहार से एक भी नेता शामिल नहीं है, यानी कि बिहार का कोई भी नेता अब बीजेपी के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के किसी फैसले में अपनी भागीदारी नहीं दिखा पाएंगे। इस निर्णय के बाद विपक्ष की ओर से तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और इसी के साथ ये भी सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या वाकई अब नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान की बीजेपी से विदाई की तैयारी चल रही है, यानी आने वाले समय में आपको ये दिख सकता है कि इन दोनों की राजनीति से छुट्टी हो सकती है या फिर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल से उनकी जगह भी जा सकती है।